जी, तो मैंने आपको क्योंकि जो बताया था कि जाने हमारे भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये वो भाई हैं, दानी भाई हैं जी। इनका 3-1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये उस टाइम ट्रक के साथ काम करते थे। आ गए जी पीर रुबे अली, पीटीआई के किंग। क्या हाल है? ठीक हो जानू? ठीक हो, बरी हो गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो भाई। कब्र पे जाने के बाद हम आ गए थे जी मामू की तरफ, तो इधर बैठे रहे हैं काफी देर, गपशप चलती रही है। ये खान तो खैर मामू का पार्टनर है। मामू क्यों जी? हाँ जी, ये खान को बड़ा मिस किया है आपने? फिर खान को मिस किया है? खान बेवफा है। खान को मैंने बोला है आना, तो आया ही नहीं है। ये बेवफा है। और भाइयों, मुझे आज जो सबसे ज्यादा खुशी है ना, वो ये बुक्स की है। कसम से ये बुक्स मिल गई है। मैं कहता हूँ मामू को लव यू हो गया, बिग बिग लव यू। मामू को एक अपनी डायरी नहीं मिली। ये क्या कर रहे हो? खान के साथ बात कर रहे? क्या बात है, ये महफिल के तकाजे नहीं है। ये इतने भाई खड़े हैं, तुम सरगोशियां कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे, मजे में होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जुमे की नमाज़ पढ़ी है, अभी खाना खाया है और जाना है जी एक भाई से मिलने। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दानी नाम है उनका। मैं खैर पहले मिला नहीं हूँ, मजदूर हैं वो, तो उनसे मिलना है। तो उनके साथ क्या काम है ये भी खैर आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी खान को बुलाया मैंने, बाहर वेट कर रहा है, शाम अली आ रहा है, तो चलते हैं भाई के पास। तो एक और भाई है हमारे अब्दुल्ला, वो हमें उन भाई के पास ले कर जाएंगे। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह एक भाई हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनका कोई काम है। मैंने कहा भाई जुम्मे वाले दिन हम इंशाल्लाह जो है जी भाई के पास हाज़िर हो जाएंगे। तो एक दो और भी छोटे छोटे काम हैं, तो शायद हम आज इंशाल्लाह वो काम भी कर लें। और अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छे बुरे ब्लॉग आप सब तक आते रहें। ये हमारे दो जवान आ गए हैं जी। क्या हाल है? आज पैंट शर्ट पहन गया, जुम्मा नहीं पड़ा? पड़ा है ना। किधर पड़ा? सलवार पहनी थी। हाँ, वो बच्चे ने, वो कजन आया, हाँ बच्चे ने, वो उसने मुंह दिया, उसने ऊपर गंद कर। ओहो, ये 125 ले लिया? कब लिया? ये कजन आया, कहता मुझे भी ले जो, मैंने कहा हम वापस आते थे। अच्छा, तो अपना बाइक भी ले आते, और ये उसका भी था, तो पहले बताते दो बाइक है, तो अपना ले गए पापा। चलो मौज में होंगे ना, आज जुम्मा जो है फ्री होते हैं। चले खान जी, चलो मेरे साथ भी एक मसला हो। क्या यार, रस्ताई की दुकान में गया तो कंघी मार दे, कंघी टूट गई। तो पैसे दे देते हो? यार मैंने बोला पैसे देता, कहता नहीं नहीं मुझे कंघी ला के दे। चलो कंघी ला देंगे। चलो जी, चलो शाम अली जी। तो मैंने आपको जो बताया था कि जाने हमारे भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये वो भाई हैं, दानी भाई हैं जी। इनका 3-1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये उस टाइम ट्रक के साथ काम करते थे, तो ऊपर वायरिंग थी, वायरिंग के साथ ये लगे हैं, तो करंट ने इनको पकड़ लिया और फिर ये ट्रक से नीचे गिर गए थे, तो उसकी वजह से इनकी बैक बोन जो है डैमेज हो गई थी। तो भाई की रिक्वेस्ट ये थी कि घर इनकी वजह से चलता था, तो अब इनकी रिक्वेस्ट ये है कि मैं इनकी कुछ हेल्प करूं, और आप लोगों से भी इनकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ इनकी हेल्प करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे दानी पे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो आगे शेयर करें, ताकि अगर आप लोग हेल्प नहीं कर सकते, तो आगे कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो इनकी हेल्प करे, या इनको कोई चीज़ अगर ज़रूरत है तो वो इनको चीज़ जो है जी वो प्रोवाइड करे। तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये इजी पैसा नंबर है इनका, तो आप खुद, आपसे कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 200, 500, कुछ भी, ठीक है। आप लोग जो है जी नेकी में लाजमी हिस्सा डालें, कल को ये बात किसी पे भी आ सकता है भाई। बाकी ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं जिनका बताया था, ये हमें जो है लेकर आए हैं भाई के पास। तो भाई की खुद ख्वाहिश भी थी कि जो है जी इस तरह मैं आऊँ इनके पास, तो खैर मैं आज आ गया हूँ, तो मुझसे जितना हो सका आज भी क्या, आने वाले टाइम पर भी क्या, मैं दानी भाई के साथ हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें, इनकी हेल्प करें, ताकि अल्लाह पाक आप सबके लिए भी आसानी करें। हम आ गए हैं जी वापस अपने एरिया में। खान, बंटवारा हो रहा है, 4 करोड़ जमीन का बंटवारा हो रहा है। 4 करोड़ नहीं है भाई, रोड के ऊपर है, कम से कम 10-15 करोड़ ज्यादा है। अच्छा यार, ठीक है, इसके साथ तो बात करना ही हमें फजूल है, कहता है जी 10-15 करोड़ है, पहले तो कोई जमीन और रोड के ऊपर है मेरी जान, और इधर जमीन महंगी। अच्छा जी ठीक है, ये फैज मलिक की जमीन है, किधर गया फैज मलिक जी? अपना अपना फैजी है जी, फैजी लोगों की जमीन है, आज सेल हो जाए दुआ करो, बहुत ही बेहतरीन जगह पे, ये यहाँ से पता नहीं लेके वो वहाँ तक। खान से बड़े मुश्किल से 10 रुपए निकले और वो भी इधर पानी में चले गए, किस्मत है तेरी शाम अली। ओए टीट टीट मारो सा। ओए रुक रुक।
जोल जोल रोके ही पुत्र रोके ही जोल। मलक फेट फाट होने वाला है जी। अमर भाई थोड़ा सा साइड पे हूँ। मलक सही तरह नाप सही तरह शूज पिला दो संतरे का बैठो। फैज मलक हम आते हैं जरा कब्र तक जा रहे हैं। ये आप भी तब तक फ्री हो जाओगे हम भी आते हैं ठीक है ओके। आए हैं जी टेक्सला। मैंने कहा जरा बाबा की कब्र से हुए जाते जाते हम जरा रुके हैं। मैं दिशा के यारा हमने तो नहीं देखा वो दो लड़के मेरे के थे तस्वीरें उन्होंने बनानी थी। वो भाई थे अपने बहुत अच्छे प्यारे से उनके साथ तस्वीरें बनाई हैं। दुआ शुआ करके वापस आते हैं क्या हम कब्र पे जा रहे हैं? कब्र पे जा रहे हैं दुआ करके वापस आते हैं। कितनी देर में आएगा वापस? आ गए जी पी रुबे अली पीटीआई के किंग। क्या हाल है? ठीक हो जानू? ठीक हो बरी हो गए हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो भाई। भाई कैसे हैं? ठीक है मौज में शुक्र है। किधर मैं दिशा के पास आया? कोई नहीं मैं जरा जाने लगा था। क्या कहते हैं? बस आप जब मुड़ के आओगे तो मुझे पहले कॉल करो। मैं फिर उधर जाने लगा था बाबा की कब्र पे। मैंने कहा जरा पीरों के पास से हो जाए। और ठीक है मैंने आपके पास आना है इंशाल्लाह जब आपका दिल करे। कब्र पे जाने के बाद हम आ गए थे जी मामू की तरफ। तो इधर बैठे रहे हैं काफ़ी देर गपशप चलती रही है। ये खान तो खैर मामू का पार्टनर है। मामू क्यों जी? हाँ जी खान को बड़ा मिस किया है आपने। फिर खान को मिस किया है? खान बेवफा है। खान को मैंने बोला है आना तो आया ही नहीं है। ये बेवफा है खान को। कल मैंने याद कराया कि तूने मामू से नंबर लिया था तूने कॉल नहीं की। खान का दिमाग ही नहीं है कहता है यार मेरे पास नंबर है पता नहीं याद नहीं है किस नाम से सेव किया है। मामा जी ये आई ने छुट्टी करा दो। अच्छा ग्लेयर और फिटनेस है मौज में स्कूल शूल जा रहे हो? कोई नहीं जा रहा हूँ। अच्छा मामू ने मुझे बुक्स गिफ्ट की हैं जी दिखाओ। शाम अली ऊपर करो। ये मोहसिन नकवी साहब की है, ये वसी शाह की है, ये मेरे मामू के मामू हैं सफीर शाह जी अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो ये इनकी बुक है। नीचे और कौन सी है? नीचे और मोहसिन नकवी की है। गुड हो गया जी। ये मामू की मोहब्बत है इन्होंने अपनी बुक्स रखी हुई थी इनकी जवानी की बुक्स हैं इन्होंने जो है मुझे गिफ्ट कर दी। खैर मैंने इनको उस दिन वैसे ही बोला कि मुझे जो है जी ज़रा बुक्स वगैरह को पढ़ी हैं तो दे देना। खैर मैं आपको मज़ीक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सारा काम हुआ है ना ये मामू ने अपने हाथों से किया है। किसी दिन को आएंगे फिर आपको मैं ये दिखाऊंगा पूरा काम और इसकी क्या क्या डिटेल है वो भी सारी मैं आपको बताऊंगा। मामू हमारे माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड है। हाँ जी बेसन बना हुआ है। ये बेसन ये बेसन सारा पत्थर का है चेक किया है। ये सब मामू का काम है। आओ जी मामू जाए अब बाहर। तो मामू को एक और बुक नहीं मेरी थी। क्या नाम है मामू उसका? दीवान गालिब नहीं मेरी थी। तो खैर किसी दिन को आएंगे ये सारा डेरा आपको दिखाएंगे। जो कुछ शुगल मिला है वो आपको दिखाएंगे। फिर मामू के साथ किसी अच्छी सी जगह पे भी जाएंगे। शाम अली मारो केक और ये बॉक्स आप मुझे दे दो। ये बकरे ने खान कहते हैं मैच लाऊंगा। चलाओ ना इसका वजन बहुत है इसको पीछे नहीं बिठा सकता। पीछे आपको सर्दी नहीं लगेगी। मामू की और खान की हाइट तकरीबन सेम से भी है जी। हाँ जी ये देखे मामू बिल्कुल। अच्छा जी थोड़ा सा खान बड़ा है। ठीक है मामू हम चलते हैं फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दिलेर अल्लाह हाफिज भाई स्कूल शूल जाया करो। ओके ये भी जाल दिया है जी हमारे साथ वीडियो में। चलो शाम अली बैठो। ओके मामू नजर नहीं आ रहा खान चुप रही है। ओहो चुप रही है। ओके मैं बात कर अभी चलते हैं जी हम। जी जी इस तरफ पहुंचो देखना किसी खड्डे में ना फेंकना। अभी चलते हैं जी वापसी पे। अगर मैं दिशा अवेलेबल है 2-5 मिनट उसके पास खड़े होते हैं और फिर हम जाएंगे वापस। घर में थोड़ा सा सामान देना है और फैजी भी मेरे ख्याल में फ्री हो गया होगा। सबसे रब्ता करते हैं। और भाइयों मुझे आज जो सबसे ज़्यादा खुशी है ना वो ये बुक्स की है। कसम से ये बुक्स मिल गई हैं। मैं कहता हूँ मामू को लव यू हो गया बिग लव यू। मामू को एक अपनी डायरी नहीं मिली और एक दीवाने गालिब एक और बुक है मिर्ज़ा गालिब साहब की वो नहीं मिली। तो वो इंशाल्लाह मिलेगी तो वो भी हम ले लेंगे। टेंशन परेशानी नहीं है। खान जी देख के भाई जान हैं लेफ्ट ये क्या कर रहे हो? खान के साथ बात कर रहे हो? क्या बात है ये महफिल के तकाजे नहीं है ये इतने भाई खड़े हैं तुम सरगोशियां कर रहे हो? भाई यार बहुत जरूरी बात क्या है? जरूरी अंदर ले जो जरूरी है तो अंदर जाके कर लो साइड पे। मैं बहुत गुजरती है यार तुम्हारे अंदर डिस्टर्ब नहीं होते तो मैं अंदर होता हूँ इसीलिए मैं अंदर होता ही नहीं। अंदर नहीं होते बाहर होते हो? अच्छा ये भाई कह रहे हैं फनी वीडियो शुरू करनी है तो इनको भी जोश चढ़ गया।
खैर शुरू करेंगे, नाम सोचो अच्छा सा आईडी का। तो खान लोने के 3 बजे हम आएंगे, देखेंगे साढ़े 3 तक बनाएगा ना तू वीडियो बनाएंगे ना यार, हम आपके साथ बनाएंगे ना, कोई पक्की बात कार का लाएगा यार, इसको कंफर्म तो कर देना ये, फिर बोल साहब ना अगर अच्छा आया तो तू खाना खिलाएगा। शाम अली मोहेज ये दाढ़ी किधर की है भाई यार, ये इन्होंने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, कह रहे अगर तू आया मैं खाना खिलाऊंगा, किस टाइम का वापस इनके पास आया फिर मैं सिल्की लेके पर्चा करा दो, सिल्की लेके आया बीट लेके आया, कैसे मैं लिखाऊंगा अच्छा यार, वो जिधर यूज करने की चीज है उधर कर, अल्लाह माफ करे यार, ये कैसी गंदी बातें कर शाम अली, चलो ये तो आम से भी आगे निकल गया दासा, ठीक है बस ठीक है जी ठीक है, बात ऐसी है मैंने आपको कब से आगे खड़े हुए हैं जी, इधर ही बाहर इसने खड़ा किया हुआ है, ना कुछ चाय ना बोतल ना कुछ, भूख लगी है शाम अली, ठीक है झूठ बोलते अभी पूछा नहीं, मामू की तरफ से हमने मामू की तरफ से तब कुछ भी नहीं, ओए शाम अली वीडियो नहीं बना रहा, शाम अली आके कहता वीडियो बना रहा, वीडियो मुझे सच बोल क्या, मैंने पूछा या खाने पीने का या नहीं, बोतल का और चाय का पूछा, और आगे मैंने कहा कुछ खाते पीते हो, शाम अली मामू की तरफ से तब कुछ नहीं खाया कि मैं दिशा खिलाया, तो ऐसा ही है के लिए तैयार हूं, क्या खिलाओगे जो खाओगे मैं खिला दूं, फिर भी फॉर एग्जांपल आपका दिल करता है वो खिलाऊं, गिव मी मेन्यू, मेन्यू दुकान पे जाओगे तो पता चलेगा, तुम्हारा एरिया तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा मिल जाएगा, फिर भी जो भी खाओगे मामू जी, मैं दिशा के साथ शुगर मेला लगा रहा था, मामू आगे थे माशाल्लाह से 5 मामू हैं, किसी टाइम पता नहीं लगता कौन किधर से टपकत है, खैर अभी मैं दिशा से इजाज़त लेते हैं घर से, दूसरी दफ़ा अम्मी की कॉल आ गई है, कुछ सामान लेना है घर में, उसके बाद एक दो और भी छोटे छोटे काम है, तो मैं दिशा कल आ जाना भाई टाइम टाइम से, ठीक है फनी कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है भाइयों, लाभ दिखाने हैं वहाँ पे भी, ओके मोहेज यार दाढ़ी बस निकल आई है अब तुम्हारी, दाढ़ी इन्होंने उतारी है तो मैं इसकी मार देते हैं, उतारूंगा मैंने ये इसकी वो के डीएचए वाली, और इसके अलावा 2-3 क्या उनसे बातें करता था, मास्क पहन के मिलने जाता, बच्चियां भाई के पास, हां बच्चियां इनकी शादी भी हुई है, कसम खुदा की, मतलब अपनी बेटियां इनकी, इनकी बेटियां हैं, बच्चियां सही कह रहा है, सही कह रहा है, हां बच्चियां केरी भी हैं तुम्हारे उधर, अल्लाह माफ करे भाई है, गलत बात है, ये कैसा दोस्त रखे हुए आपने, भाई हम चलते हैं, व्हाट्सएप भी देखना अच्छा, ओके व्हाट्सएप में बाद में देखूंगा, देखना जरूर देखना जरूर, इसका व्हाट्सएप मैंने स्कैन किया हुआ है, फिर तो आप ए टू जेड, नेक बंदा है शरीफ है, ये नेक है, बीच में से नून निकाल दो, नून निकाल दो, मैं आ गया था जी घर, वापसी पे फैजी के पास रुका था, फैजी उधर ही था, वो दरअसल बंदे शंदे सारे बैठे थे, अभी तक उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, तो मैं फिर घर में काफ़ी सामान लेना था वो दिया, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, बाहर चलता हूँ, फिजान भाई आए हैं हमारे क्रिप्टो किंग, उनसे जाके पूछता हूँ भाई क्या सीन है, अजय जी आ गए हमारे फिजान भाई, आपको बताया क्रिप्टो किंग फिजान भाई कैसे हैं, मैंने पब्लिक को बताया क्रिप्टो किंग है, ट्रेडिंग वेडिंग की तरफ सब अच्छा करेंगे हम, अभी किधर है मेरा यार, किधर है फैसल वीर, गया मैंने टैक्स ला ओमतल को कॉल की थी, वालेकुम सलाम भाईजान किधर हैं आप, जनाब मैं लेके जो कारण फुट पे बैठ के जब भाई इन्होंने आपको बुलाया आप आए नहीं हो, वो छोड़ो जान जी जुर्माना है आप पे, आइए समझ व्लॉग बना बांध रहा है तो जुर्माना है आप पे, ओ भाई जान छोड़ो ना, 3-4 दफा मेरे पास आए आप साथ नहीं थे इनके, भाई अब जुर्माना दोगे या कुछ और दोगे, हाँ जी किधर दोगे जुर्माना, बस आप हमें मिलो ना जरा, हम आपके दिल में, ओके भाई कार ने स्वीट आके कॉल करते हैं, नंबर ना बांध कर दो, ओके भाई आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज जी अल्लाह हाफिज, तक कोई बाबा जी तुसा नहीं रोटी ना निजाम कर देता है मन्ने हो, फिर आ गया जी फैसल, खैर अब वो ना वो दिन रे ना वो हम रे ना वो फैसल रहा, फैसल
देख लो फिजान भाई लड़के की बातें देख रहे हो यार भाई, हम तो बेदार हुक्म करो आप क्या जुर्माना है। अच्छा शाजिल क्या किया जाए जी आपके दोस्त के साथ? वो तो क्या बताओ ना खान, जुर्माना है? माफ कर दे, आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। माफी शाफी कोई नहीं देती है किसके साथ? ये तो गलत है। माफी शाफी कोई नहीं, मेरी बात सुनो। जुर्माना किसी का पार्ट है? मैं ये बताऊं, मैं आपको बताता हूं। फिजान भाई जब भी आया, शाजिल जब भी आया, मैंने पूछा फैसल किधर है, ये कहते हैं हमने कॉल की फैसल बिजी है। हमारे लिए बिजी? ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं होता। वॉलीबॉल वॉलीबॉल छोड़ते हैं। और हमने गंजा करा दिया, तुमने ये भी नहीं पूछा क्यों कराया। तुम कांचा चीना लाग रहे हो, तुमने मांडवा गांव के मालिक हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो आज माफ कर देते हैं, माफी ठीक है। ये हुई ना बात वाली, ये डर कर दिया। आज के बाद तो माफी नहीं मिलेगी, सही हो गया। देख लेना कल बहुत तेज है। अच्छा नहीं हो यार, केड़ा मान है यार, अगर कोई मना भी डाला तो मैं ताबेदार नहीं यार। चलो माफ कर दे, छोड़ दो यार, खैर है आज माफी। गाना शाना नहीं आ रहा भाई आपका? वेट नहीं हो गया, गाना शाना नहीं आ रहा। गाना करते हैं बस, अभी गाने ही गाने हम। अच्छा जी, चलो फिर जवाब भी कहां जाना, किधर का रूट है देखते हैं जी, सोचते हैं, आए बैठते हैं फिर सोचते हैं। बेचो हां जी, चलो फैसल वीर क्यों उदास हो भाई? शुभ याद आ, मशरूम याद, ढूंढो जी शाजिल, ढूंढो मशरूम, ढूंढो मशूक। अच्छा मशूक, चूहा मैंने बड़ा चंगा लगा, ये वो ही है ना जो पार्क में बच्ची ले। अल्लाह वाह, वो मैं समझ गया सी, तुसी हर क्लिप दूरो दूरो बढ़ा रहे हो, बुरखे च जाकत ही है। यार मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो है ना ये काम कंटिन्यू रखो, तो क्यों सुस्ती कर रहे हो जरा? बस मुझे पता था कि जब इंशाल्लाह वी कम बैक स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। अच्छा देख लें, बाइक चोरी होगा, बाइक चोरी होगा, पहले क्यों बता रहे हो? अभी बाइक चोरी नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। फैसल भाई से हम यहाँ पे जुर्माना लेते जी ब्लैंको पे, है ना जी फैसल भाई? ऐसी बात है जी ब्लैंको की विषय। अच्छा नहीं पता है, बेकरी है, पता नहीं कोई बर्गर बच्चे आंदे, केक शेक खान पीन, ऐसे ही है फिजान भाई। ऐसा की पता पहली बार तकने पे आया है, हम भी पूछ रहे थे कि के क्या है, कहते हैं बिल्कुल। फिर क्या फैसल भाई से कहे ना, फैसल भाई को आज आपने माफ कर दिया, अभी को कह रहे हैं वो भाई मेहरबानी करो आस्ता जाओ, क्या है पता है रोड खाली है, पर पता नहीं होता सामने कोई डोगी का बच्चा आ जाए, हम खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं? सॉरी ब्रो आइसक्रीम नहीं खाते। मैं आ गया हूँ जी घर वापस, बहुत ठंड हो गई है और मुझे बहुत भूख लगी है टाइम पे, और मैं आज इस व्लॉग को इधर एंड करता हूँ। उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट करके लाजमी बताना कि व्लॉग कैसा था। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल एक न्यू अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।